हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेकर आए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेले गए एक ऐसे मैच की कहानी, जिसमें पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा खासा टारगेट सेट कर दिया था, पर फिर भी भारतीय बल्लेबाजों के आंधी में पाकिस्तानी बॉलर्स टिक नहीं पाए और भारत के दो शेरों ने मैच को एक तरफा कर दिया और टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात है एशिया कप 2008 की। दोनों टीमों के बीच एशिया कप का 5th मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और पाकिस्तानी ओपनर्स जब बैटिंग करने आए तो बैटिंग करने के मूड में भी दिख रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़ दिए थे। 90 रन पर पहला विकेट सलमान बट के रूप में गिरा। पहला विकेट गिरने के बाद दूसरे विकेट के लिए शोएब मलिक और यूनुस खान के बीच भी अच्छा खासा पार्टनरशिप हो गया। 219 रन पर शोएब मलिक क्रैम्प्स के कारण रिटायर्ड आउट हो गए। उसके बाद 223 रन पर यूनुस खान के रूप में दूसरा विकेट गिरा। उसके बाद 261 रन पर तीसरा और 290 रन पर चौथा विकेट गिर जाता है। इस तरह पाकिस्तान 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 299 रन बना लेते हैं, जिसमें शोएब मलिक ने सबसे अधिक 119 गेंदों में 125 रन बनाए थे। अब इंडिया को 300 रनों का टारगेट मिला, जो इतना आसान भी नहीं था। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो दोनों टीमों के जीतने के चांसेस 50-50% थे, पर यह मैच एक तरफा हो जाएगा किसे पता था। अब चेज करने आई टीम इंडिया की शुरुआत पाकिस्तान जैसा भी नहीं रहा था। 12 रन पर ही गौतम गंभीर के रूप में पहला झटका लग गया। उसके बाद वन डाउन पर सहवाग का साथ देने आए सुरेश रैना और दोनों ने जमकर कुटाई करना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि एक विकेट गिर गए हैं। दोनों आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे और खासकर रैना जमकर वार कर रहे थे। इन दोनों का बैटिंग देख ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 300 नहीं 350 या 400 रन चेज कर रही थी। दोनों के बीच कम गेंदों पर ही बड़ा पार्टनरशिप हो गया। उन दोनों ने 24.4 ओवरों में ही 198 रन का पार्टनरशिप कर डाला और मैच को एक तरफा कर दिया। 210 रन पर सुरेश रैना 69 गेंद में 84 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी पारी के दौरान रैना ने 10 चौके और 3 छक्के लगाए थे। उसके बाद सहवाग का साथ देने आए युवराज सिंह, पर सहवाग भी 231 रन पर आउट हो गए। उसने मात्र 95 गेंदों पर 12 चौके और 5 छक्कों की मदद से 119 रन बनाए थे। उसके बाद धोनी और युवराज के बीच 63 रनों का पार्टनरशिप हुआ और 294 रन पर युवराज सिंह आउट हो गए, पर पाकिस्तान के लिए बहुत लेट हो चुका था। उसके बाद अगले ओवर में धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, यानी धोनी ने छक्का मारकर मैच को फिनिश कर दिया और इंडिया 6 विकेट से वो मैच जीत गया। और ज़रा सोच कर देखिए, इंडिया वो मैच कितने ओवर में चेज किया होगा। वनडे क्रिकेट में 300 के आसपास टारगेट होने पर ज़्यादातर चेज तो होते नहीं हैं, और होते भी हैं तो आखिरी ओवरों में होते हैं या फिर एक दो ओवर पहले होते हैं। पर इंडिया वो मैच 42.1 ओवरों में ही चेज कर लिया था और ये चेज इतना आसान हो पाया था वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना के कारण। दोनों ने जो काउंटर अटैक करके खेला था उससे मैच एक तरफा हो गया।